नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका एक क्वेश्चन, उसका एक आंसर। आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे जुडिशी की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे सबसे पहले कौन से जुडिशी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, जनरली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उस स्टेट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका अपना स्टेट तो अपना ही होता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपने स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जज बनना है चाहे मैं इंडिया के किसी भी स्टेट में बनूं, तो सबसे पहले जुडिशी जब आप लॉ में यानी LLB कर रहे होते हैं, जब आप LLB के अंदर अपेयरिंग है, LLB के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, तो आप जो हैं RGS दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर अपीयरिंग स्टूडेंट भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है। जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर में है, वो दे सकता है। ठीक है, तो नंबर वन आप RGS करें। उससे क्या फ़ायदा होगा? RGS के अंदर IPC भी है, CRPC भी है, CPC भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, TP भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, SRA भी हैं, लिमिटेशन भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। नहीं हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी जुडिशरी के हर स्टेट के लिए जो मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो सब कुछ राजस्थान ने कवर किया है, सेम टू सेम MP ने भी कवर किया है। तो आपका पहला फोकस राजस्थान। राजस्थान में एक और क्वालिटी है, इसमें GK भी नहीं है। राजस्थान में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर और लॉ है। तो पहली प्रायोरिटी आप RGS को दे। आपने LLB कर ली है, अब तुरंत प्रभाव से तो MPGS की तरफ चलो। MPGS का क्या फ़ायदा है? MPGS और छत्तीसगढ़ लोग जाना थोड़ा पसंद कम करते हैं, बाकी छत्तीसगढ़ भी है। यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट ये सब है। MP में थोड़ा चेंज है, वहाँ पर कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है अपन को और GK भी पढ़ना है, बाकी लॉ भी सारे सिमिलर ही हैं। और छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया क्या क्वालिटी है? सिर्फ लॉ है, ना इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश भी है, ग्रामर। छत्तीसगढ़ में ना इंग्लिश ग्रामर है, ना हिंदी ग्रामर, ना GK, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में लॉ है। पर हाँ, उसके कुछ लोकल एक्ट भी है। देखो बेटा, एक होता मेजर एक्ट जैसे IPC, CRPC, एक होते माइनर एक्ट जैसे लिमिटेशन, SRA, एक होता लोकल एक्ट जो पर्टिकुलर उस स्टेट के होते हैं, जैसे राजस्थान लैंड कंट्रोल है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लैंड कंट्रोल है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू है, तो माइनर होते हैं उनके, माइनर होते हैं कॉमन और लोकल उस एरिया के होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में थोड़े से लोकल एरिया, पर अगर पढ़ोगे डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, तो ये तीन स्टेट आपको स्टार्टिंग में फोकस करना चाहिए। फिर आपको लगता है कि मैडम मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, क्या कहता आपको लगता है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, या अक्सर लोगों से आपने कहते सुना कि DGS इज़ द बेस्ट, यानी दिल्ली का बेस्ट है, तो यूपी है या DGS है, या आप यूपी के रहने वाले हो। और बिहार वालों का तो मैं क्या कहूँ, वो तो वैसे भी मैं मानती हूँ बिहार वाले तो वो कहते हैं जन्म से ही आदि GK के ज्ञाता होते हैं। अगर आपको यूपी DGS फोकस करना है या आप यूके के रहने वाले, तो आप एक काम कीजिए, अपने LLB के साथ साथ GK GS भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जब यूपी जाते हो, दिल्ली जाते हो, आप यूके जाते हो, बिहार जाते हो, तो यहाँ पे GK और GS है, तो अभी से स्टार्ट करें अपने साथ साथ, ताकि फर्स्ट अटैम्प आप उनको निकाल सकते हैं। अब आती गुजरात की बात। कहते हैं कि गुजरात जुडिशी GGS, गुजरात जुडिशी निकालना बहुत आसान है, तो फिर अभी से आप गुजराती सीखना शुरू करें। क्या करेंगे आप? गुजराती सीखना शुरू करें। अगर आप गुजराती सीख लेते हैं तो गुजरात निकालना भी इजी है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ नहीं जाती। गुजरात में 50% मार्क्स ले आओ, और अगर आप 100 में से 50 ले आते हो तो आपका प्री क्लियर है, देन आप मेन दे दोगे, लेकिन गुजराती पास करना जरूरी है। तो ये आपके मन में कई दिनों से घूम रहा है, मैं कौन सा तैयारी करूँ, कौन सा सब्जेक्ट से करूँ, नहीं कौन से स्टेट की तैयारी करूँ, तो आप इस स्टेट को लेकर चूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि अब जब लॉ कर रहे होते तो उम्र आपकी छोटी होती है, तो जल्दी से चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं परिवार की, तो थोड़ा सा माइंड भी आपका डाइवर्ट होता रहता है। तो आपको अगर जज ही बनना है तो आप शुरू से करें। यदि आप एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं तो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए, किस एडवोकेट ने कैसे पैरवी की वो देखें। अब तो यूट्यूब पे वकील साहब कैसे प्रैक्टिस करते वो भी सब कुछ दिखा रहे हैं, आप उनको भी देखें, क्योंकि वकालत भी कम नहीं है।
जुडिशियस के इक्वलेंट होती है वकालत, क्योंकि अगर वकील होंगे तभी तो जज से आप काम करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको एडवोकेट, एक अच्छा एडवोकेट बनना है, तो कानून का नॉलेज तो होना चाहिए, और LLB के साथ ही कोर्ट जाना शुरू करें, ताकि प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। कोर्ट के अंदर आपका कोई सीनियर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद ही कोर्ट में जगह जगह बैठ के आप सीख सकते हैं। आप जो जज हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं, सर मैं LLB कर रहा हूँ, मुझे वकील बनना है। तो खुद जब आर्ग्यूमेंट होंगे तो आपको खुद को कहेंगे बेटा आ जा बैठो, आप आर्ग्यूमेंट सुनो, तो वैसे भी कर सकते हैं। विरासत में वकालत मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी विरासत खुद बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, बस ये है कि LLB के साथ ही कोर्ट जाना शुरू करें। आज के लिए धन्यवाद।